दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है तो ये चीज़ें आपको चेक करना बहुत चीज़ जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, अभी मैं जो आपको एक सामने गाड़ी बता देता हूँ, हीरो की मेस्ट्रो स्कूटी है। इसके अंदर अपन जब इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है, और इसका जब अपन जो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं और रेगुलेटर भी हमने ऑन करके रखा आप देख, और इसको सेल्फ लगा रहे अपन तो भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। और जब अपन इसका ये जो डायफ्राम का यहाँ से ऑटो चोक करते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं तब गैस का आवाज आता है, ये आप सुन सकते हो। जब जैसे ये दबेगा तब ये स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो। दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपन इस वेपोराइजर का जो ढक्कन है उसको खोल के आपको इसके अंदर बताएंगे इसके अंदर क्या दिक्कत आई है, जिससे इसका डायफ्राम जब प्रेस करते तब ये गाड़ी स्टार्ट होती है, बाकी इसका स्टार्ट नहीं होता है, ये पिकअप भी नहीं बनाती है। तो अभी मैं आपको उसका जो इसका जो ढक्कन है उसको खोल के बता देता हूँ। इसके अंदर क्या इसका जो वेपोराइजर का ऊपर का ढक्कन है उसके जितने भी स्क्रू लगे हैं उन सबको पहले खोल लेना है, खोलने के बाद रेगुलेटर को ऑफ कर लेना है, और जो पाइपें है वो मैं पहले निकाल लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ, उसके बाद में जो भी इसका गैस का बाहर है इसको मैं बंद कर लिया है, अब इसका ढक्कन धीरे से मैं खोलूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो हमने जैसे इसका ढक्कन को खोला है इसके अंदर से ऑयल कुछ निकला है, आपकी भी गाड़ी बहुत सारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती हो जैसे कि क्या लगनी, पिकअप नहीं बनाना, तो इस प्रॉब्लम को बहुत जनों ने फेस किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको देंगे, वीडियो को पूरा देखते रहे। दोस्तों ये आप देख सकते हो इसका डायफ्राम ये पूरा इसमें गल के सड़ गए का हो गया, तो और ये जो इसका वैक्यूम डायफ्राम है और इसके अंदर ऑयल आ गया। ये ऑयल किस तरह से आता है, जब अपन गैस ज़्यादा भर देते हैं तो एक्स्ट्रा गैस से जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर जमा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये ऑयल हो गया पूरा और फिर ये बास मारता है। तो अब हम इसको वेपोराइजर को खोलेंगे यहाँ से, उसके बाद इसकी पूरी कंप्लीट सर्विस करेंगे, सर्विस करने के लिए सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। आप देख सकते हो क्लिप को लूज कर लिया है और अब हम इसका जो ये गैस का इनलेट है इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब इसको निकाल लिया है, अब इसकी जो कंप्लीट सर्विस है वो करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो ये ऑयल आ रहा है उस ऑयल को अपन पहले निकालेंगे, ऑयल को निकालने के बाद सही करने के लिए सबसे पहले जो स्क्रू लगे हुए चारों स्क्रू इनको खोलेंगे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। ये जो ज़्यादातर स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ की वजह से आती है, जैसे कि इसमें डायफ्राम ख़राब हो जाना, डायफ्राम लोकल होना, तो उन चीज़ों की वजह से इन किटों के अंदर मिस्टेक आती है स्टार्टिंग की। तो आप इस वीडियो को आगे से आगे तरफ देखते जाए, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका जो ऑयल होता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, आप देख सकते हो, और पूरा इसके अंदर ऑयल हो चुका है। अब अपन इसको पूरा खोल लेंगे, जैसा कि इसका जो आइडल स्क्रू है उसको भी हमने खोल के साइड पर रख लिया है, और बटरफ्लाई है उसको भी अपन खुद खोल के यहाँ से यहाँ पे जो स्क्रू है। तो दोस्तों हमारा जो वेपोराइजर है इसके अंदर आप ऑयल देख सकते हो, ये ऑयल को अपन कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर अपन पेट्रोल डालेंगे और इसको कंप्लीट अपन साफ करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, कहीं भी स्किप ना करें, बाकी आप जानकारी भूल जाओगे जो हम जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को शुरू से लगा के पूरा देखते रहे, कहीं भी स्किप ना करें, और जो हम बता रहे हैं वो उसको क्लियरली देखते रहे। इन चीज़ों की सर्विस करना बहुत ही आसान है, आप खुद भी घर पे कर सकते हो हमारा वीडियो देख के, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारा जो एल्यूमिनियम का जो बॉडी है वेपोराइजर का वो हमने कंप्लीट साफ कर दिया है, कहीं से भी अपने को इसके अंदर कचरा वचरा नहीं रखा है, निकाल लिया है और पेट्रोल के माध्यम से इसको धो दिया है। आप पेट्रोल डीजल और केरोसिन किसी से भी इसको धो सकते हो और इसको वापस यूज में ले सकते हो, इस बॉडी को कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो होगा इसका डायफ्राम खराब होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमने इसको कम्प्लीटली साफ कर दिया है, इसी को साइड पर रख दिया है जो कि हमने इसके अंदर से निकाला था, और इसके जितने भी स्क्रू है वो भी साइड पर रख देंगे, उसके बाद इसके अंदर जो डायफ्राम लगाने का प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी जो डायफ्राम की हालत हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पत्ते की तरह मुड़ चुका है, और जो हमारा नया डायफ्राम है वो कुछ इस तरह से फुल टाइट है कंप्लीट, आप देख सकते हो दोनों का हालत देख सकते हो, जिसमें ऑयल लगा हुआ है इसकी हालत ऐसी हो गई, और ये नया वाला है वो इसकी हालत देख लो आप। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, और दोनों जो इसके वैक्यूम डायफ्राम और इसका जो ये गैस का डायफ्राम है दोनों को अपन चेंज कर देंगे, इसको रख देते हैं अपन साइड पे, और जो इसके नए वाले जो डायफ्राम है वो इसके अंदर पहले अपने को क्या करना होगा, इसका जो छोटा वाला डायफ्राम है उसको लेना है, लेने के बाद में यहाँ पे एक स्प्रिंग आता है जो कि ये स्प्रिंग है, अगर जितना ये फ्लेक्सिबल होगा उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो आप इसके अंदर दो एक जगह पे, जैसा कि मैंने इसमें फिक्स कर दिया, ऐसा फिक्स करने के बाद में आप इसको यहाँ पे रख के
इसके छेद मिला लेने हैं आपको, जैसा कि छेद मिलने के बाद में वापस इसको कुछ इस तरह से इसको जमा लेना है। तो अभी आप देख सकते हो चारों छेद इसमें कंप्लीट मिल चुके हैं, तो हमको मिला लेना है। मिलाने के बाद में जो हमने छोटे छोटे स्क्रू खोले थे उनको वापस यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इनको हमें क्रॉस में टाइट करना है ताकि जो इसमें हवा रहेगी वो नहीं रहेगी हवा। फिर फुल टाइट कर लेना है जिससे हमारा गैस लीक नहीं हो। अगर वैक्यूम लीक होगा तो स्टार्टिंग इशू रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले अपन इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ से इस नोजल को कंप्लीट दबा के बंद कर देंगे। फिर उसको अपन छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये अंदर ही अटक चुका है, ये बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि कंप्लीट अपना ये डायफ्राम वर्क कर रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये अभी तक लीक नहीं है। आप देख सकते हो अगर ये लीक होता है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहता है। मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। आपने देख लिया कंप्लीट ये वर्क कर रहा है हमारा। इसके बाद में ये वाला यहाँ से गैस का जो ये लगा हुआ है क्लिप, इसको यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो इसको भी फिट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक रिंग लगा होता है, आप देख सकते हो वाइशर टाइप। तो इस वाइशर को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसको वाइशर को रख दिया है और अब हम इसके जो दोनों स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे था और एक ये वाला, इन दोनों को यहाँ पे लगा लेंगे। वो कम्प्लीटली यहाँ से लूज रहेगा और वर्क अच्छा करेगा। तो इनको अपन पहले टाइट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है, इस कट को अपने को इसके अंदर फिक्स करना है। फिक्स बहुत ही करना आसान है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अपने को इस डायफ्राम को पकड़ के रखना है, इस तरह से पकड़ के रखना है। पकड़ने के बाद में यहाँ से इसको अंदर की तरफ लगा लेना है। लगाने के बाद इसको बस घुमा देना है। जितना आप घुमा लोगे ऑटोमेटिकली ये इसमें ऑटोमेटिक लॉक आ जाएगा इसका। तो ये आप देख, तो अभी आप देख सकते हो हम इसका जो ढक्कन है वो कम्प्लीट यहाँ पे फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिक्स करने के बाद में इसके जितने भी नट है, तीनों चारों पांचों नट, उनको कम्प्लीट यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इनको भी अपने को कसना है, क्रॉस में कसेंगे हम। तो अभी अपना जो ढक्कन वक्कन है वो कम्प्लीट हमने लगा लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका जो आइडल स्क्रू है उसको भी इसके अंदर लगा लेंगे कम्प्लीटली। कुछ इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और बीचों बीच इसको खड़ा रखेंगे। खड़ा रखने के बाद में इसकी जो चूड़ी है उन चूड़ियों को अपन कस लेंगे। तो ये आप देख सकते हो ये हमने इसके अंदर प्रॉपरली कस दिया। अपने को ज्यादा नहीं कसना है, बस इतना सा कस लेना। उसके बाद अपन जब गाड़ी को सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट करेंगे। और लास्ट इसका रहा बटरफ्लाई, जो कि इसका ये बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई को भी मैं एक बार पेट्रोल से साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको फिक्स करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इस वेपराइजर को वापस पहले जैसा वापस नया कर दिया है और अब इसको अपन आपके सामने लाइव गाड़ी के अंदर लगाएंगे और आपको इसका परफॉर्मेंस बताएंगे कि कैसे सेट होगा, कितना टाइम लगेगा सेट होने में और क्या क्या इसके अंदर दिक्कत आएगी। फिट करने वाले हैं और आपको बताएंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। आइए मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी के अंदर कैसे इसको फिट करना है। हम इसको वेपराइजर को कम्प्लीट फिट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो गैस का इनलेट पाइप हो गया, इसका जो गैस का इनलेट पाइप हो गया, इसको अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर गैस का आउटलेट पाइप है जो कि हम यहाँ पे बटरफ्लाई के ऊपर इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये इसका हो गया वैक्यूम का पाइप। आप देख सकते हो बहुत हेवी वाला पाइप हमने इसके अंदर लगाया था पहले, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा लूज हो रहा है, इसको पहले काट लेते हैं यहाँ से। इसको ऐसे काटने के बाद वापस इसको कम्प्लीटली फिट कर देंगे यहाँ पे। और अब दोस्तों अभी हमने इसके अंदर जो वेपराइजर था अपना, जो इस गाड़ी का जो इसमें ऑयल आ रहा था, उसको हमने वापस के अंदर फिट कर दिया, इंस्टॉलेशन कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ उसकी पाइपें वाइपें जो हमने लगाई है। आप देख सकते हो इसका जो गैस का आउटलेट पाइप हो गया, ये वैक्यूम का पाइप होगा और ये गैस का इनलेट पाइप हो गया जो कि इसके अंदर रेगुलेटर के अंदर हमने कनेक्ट किया था। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। हम इसको यहाँ से इसका जो इग्निशन है इसको हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अब इसको सेल्फ देंगे। और पहले इसमें क्या हो रहा था, अपन जिसका जैसे इसका डायफ्राम को प्रेस करते थे तभी गाड़ी स्टार्ट होता था। अब इसको बिना डायफ्राम के हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अपन आरपीएम इसका सेट करेंगे। इसको आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे अंदर कसता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका आरपीएम सेट होता जा रहा है। अभी आप देख सकते हो बॉडी लेवल तक आ गया, इसका आरपीएम सेट हो चुका है। अब ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है, इसको वापस मैंने। और अब इसका पिकअप आप इसका देख सकते हो कम्प्लीट हमारी गाड़ी, तो हमारी गाड़ी कम्प्लीट सेट हो चुकी है। पिकअप इसका आरपीएम हमने कंप्लीट सेट कर लिया। अब हम इसको फिट करके इसके अंदर टंकी रखे, उसका ट्रायल आपको लेके आपको बताएंगे और हम इसको चलाएंगे। मैं इसके अंदर टैंक रखे थे, वापस जैसा हमने इसको निकाला था टैंक को वैसे वापस रख लेते इस टैंक को।
कोई दिक्कत नहीं है इसको करने के लिए। हमने इसके अंदर रख लिया हाई टू लो रेगुलेटर लगा के रखा है इसके अंदर, और अब इसको अपन ऐसे बंद कर दिया, हमने लॉक कर दिया कम्प्लीटली। तो दोस्तों अभी हमने इसके अंदर कंप्लीट सेटअप कर लिया है, अब इसका इग्निशन हमने ऑन किया है, ये आप देख सकते हो। मैं इसका सेल्फ लगाऊंगा, हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी। हाँ तो दोस्तों हमने इस बाइक को जो सर्विस किया था इसके अंदर हमने कंप्लीट सर्विस कर दिया है, और अब इस गाड़ी को अपन स्टार्ट करेंगे, और इसका जो इसका स्पीड है वो हम आपको बताएंगे, इसका कितना पिकअप रहेगा और इसका माइलेज कैसा रहेगा। माइलेज एक किलो में आपको 70 से 80 का माइलेज दे देगा ये स्कूटी, और इसका 2.5 किलो का टैंक रहेगा इसके अंदर, और हाई टू लो रेगुलेटर हमने इसके अंदर लगाया था पहले, और अब इसका सिर्फ हमने सर्विस किया, जो कि ऑयल आ गया था टंकी के अंदर, जो लिक्विड आता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो गया, और वेपोराइजर के जो डायफ्राम है वो खराब हो चुकी है। इसकी सर्विस आप खुद भी घर पे कर सकते हो, और ये किट बहुत ही अच्छा है। आपको भी अगर किट खरीदना हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको किट प्रोवाइड करा देंगे।